girl, you got me shook from the way your body. Welcome back to my channel. Kya haal hai sabka? Alright. So home quarantine, everybody is home. Socha ek video bana dun budget bodybuilding ke liye sabke liye ki budget bodybuilding kya honi chahiye aur kya budget hona chahiye har bande ka. But before that, please subscribe to my channel and Instagram pe follow karna na bhule. As you can see my Instagram ID here. Send me your queries there and I will make videos here. ठीक है गाइस, तो आज बात करते हैं बजट बॉडी बिल्डिंग की. देखिए, आई एम नॉट हेयर टू शो यू मैक्रोज, क्या मैक्रोज होने चाहिए, कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स होने चाहिए. बट फॉर एवरेज गाय जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका घर खर्च मिला के उसको सिर्फ 6-7 हज़ार रुपया मिलता है, तो आई थिंक ये एक परफेक्ट वीडियो है उसके लिए. क्योंकि हर बंदे का एक बजट होता है, ऑफकोर्स उसको एक बजट मिलता है, उसके अंदर ही उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है. कोई भी हो, कोई जॉब कर रहा है 10-15 हज़ार की, उसके अंदर उसको कैसे मेंटेन करना है, हाउ टू मेंटेन. कोई हॉस्टल में रहता है, उसको पॉकेट मनी मिलती है, वो कैसे मेंटेन करे अपना खर्चा. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज गाइज एंड फॉर एवरीबडी जिनको घर पर पॉकेट मनी मिलती है, वो कैसे मेंटेन करें, कैसे एक परफेक्ट मील प्लान बनाएं. According to this budget, I'm gonna show it to you here on my YouTube channel. So, मुझे नहीं लगता आप इसको देख पाओगे, but I can see and I can explain from here. मैंने एक चार्ट बनाया है सबके लिए, जो सिर्फ अंडर 7,000 रुपीज़ है. 7,000 के अंदर आप अपनी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो. But इसमें कोई सप्लीमेंट ऐड नहीं है. And I do not need you guys to waste money on supplements in the initial stage. Starting में, beginning में supplements अगर नहीं भी लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. बाद में ले लेना जब आपका थोड़ा जेब हल्का हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, now you can buy supplements. Supplements are very important. But ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. ऑफकोर्स दे कैनॉट अफोर्ड, जिनको घर से पैसे नहीं मिलते हैं सप्लीमेंट्स के लिए, या जिनके घर वाले कहते हैं कि भाई हमें सप्लीमेंट्स पर भरोसा नहीं है, तो वो थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं what to do with the body building. वो कहते हैं कि यार supplements तो allow नहीं करते, अब क्या करें. So ये video खास करके उन लोगों के लिए है जिनको supplements available नहीं है या जिनको access नहीं है supplement. Alright, so this video is for those. तो ये है budget bodybuilding, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. I don't know if you guys can read. तो ये पूरा जो है under 7,000 rupees है, सिर्फ 7,000 रुपया पर मंथ एंड आप बॉडी बिल्डिंग कर पाओगे. ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू सी योर मसल्स, योर गेंस, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. ऑलराइट, आप स्टेज भी कम्पीट कर सकते हो अगर आप इतना निकाल पाओगे अपने लिए. 7,000 रुपये, आई थिंक यू गाइज कैन मैनेज इतना. अगर आपको पैशन बॉडी बिल्डिंग है तो 6-7 हज़ार रुपया तो निकालना है यार. एटलीस्ट गिव इट दिस मच मनी यार, दिस मच अमाउंट तो दो. और जो लोग कहते हैं कि रोज़ के 100 रुपये में आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट 6-7,000 रुपीज़ पर मंथ आपको चाहिए ही चाहिए. कैसे स्पेंड करना है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में. तो आप एक ग्रॉसरी स्टोर में जाएंगे, सबसे पहले यू विल बाय 4 kg ओट्स, जिसका प्राइस है 180 पर kg. आप उसको बाय करोगे 4 किलो बाय करिए, उसको एक महीना चलाएंगे, 720 रुपये बनते हैं यहाँ पर. ठीक है, 4 किलो से 5 किलो, 5 किलो मैक्सिमम ओट्स ले लीजिए, आपका एक महीना पार, ट्रस्ट मी. उसके बाद बात करते हैं ओट्स, हमारा कार्ब सोर्स है, वी नीड कार्ब्स फॉर एनर्जी. वर्कआउट से पहले या ब्रेकफास्ट में ओट्स चाहिए एटलीस्ट 80-100 ग्राम्स, और आप चाहें तो 50-60 ग्राम्स उसमें बनाना है ऐड कर दीजिए एंड यू विल हैव मोर कार्ब्स इन योर प्री वर्कआउट मील. तो ओट्स तो चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम 5 किलो, मैंने 4 kg लिखा है फॉर इनिशियल स्टार्टअप के लिए. उसके बाद बात करते हैं चिकन ब्रेस्ट की, वी नीड प्रोटीन सोर्स ऑफ कोर्स. तो चिकन ब्रेस्ट 180 रुपीज़ पर kg है यहाँ पे. मुझे आपके वहाँ का प्राइस नहीं पता, कईयों को सस्ती भी मिलती है, कईयों के महंगी भी मिलती है, बट ये जो प्राइस बता रहा हूँ मैं, जो मेरे यहाँ जलंधर में पंजाब में प्राइस है, मैं वो बता रहा हूँ. 180 rupees पर kg है, और मैंने यहाँ पर 13 किलो बाय करी है, 13 kg, जो कि एक महीने के लिए काफ़ी है. मैक्सिमम अगर मैं जाऊंगा तो 14 किलो, अगर मैं रोज़ का 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट भी खा रहा हूँ, 300-350 ग्राम, तो ये मेरे लिए इनफ होगा 13 किलो.
ठीक है, बीच में से मंगलवार जो ट्यूसडे कई लोग नहीं भी खाते ट्यूसडे को, सो ये निकाल निकोल के 25-26 दिन का 13 किलो बहुत है, 2340 रुपये बनते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। उसके बाद आप लोगे ब्राउन राइस जो कि है 120 रुपये पर किलो, सस्ते भी मिल जाते हैं कई होलसेलर्स के पास, 100 रुपये भी मिलता है, मैंने पिछली बार लिए थे 100 रुपये पर केजी, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख रहा हूँ 120 जो कि रेट है उसका MRP इंटू 6, तो 6 किलो हमने बाय करे हैं ब्राउन राइस, 720 रुपये यहाँ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्स की, जिन्होंने गेनिंग करनी है, ऑफकोर्स एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेन, तो 6 होल एग्स पर डे विच इज 720 फॉर 30 डेज, ठीक है। आपको एग वाइट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, स्टिक टू होल एग्स, अगर आप 6 खाओगे रोज़ के आपको गुड फैट्स भी मिलेंगी एंड यू विल गेट मोर प्रोटीन। एग वाइट से किस कहीं अच्छा है, यू गेट द विटामिन B12 एंड यू विल गेन मोर मसल मास। ऑफकोर्स डोंट ईट ओनली एग वाइट्स, जिन्होंने कट करना है, जिनका बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है वो एग वाइट्स खा सकते हैं, बट जिन्होंने गेनिंग करनी है एटलीस्ट स्टिक टू होल एग्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज गुड फैट सोर्स पीनट बटर, 1 kg मैंने लिखा है 350 रुपये का, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 किलो और ले लेंगे महीने के अंत में, अगर ज़रूरत पड़ी तो 350 रुपये का आता है ये, ठीक है। उसके बाद पीनट बटर ऑफकोर्स हमारे गुड फैट्स हैं, आपको प्रोटीन शेक में डाल सकते हो, ओट्स में डाल सकते हो, कैलोरीज अप करेगा आपकी, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं फैट्स की, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं कार्ब्स में और प्रोटीन में, सो फैट्स आर मच कैलोरी डेंस, तो पीनट बटर की ज़रूरत पड़ेगी जो गेनिंग कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स यू नीड पीनट बटर एटलीस्ट 2 to 3 टेबल स्पून पर डे। एंड देन आलमंड्स अच्छी क्वालिटी के 0.5 किलो बाय करेंगे अभी 450 रुपये के, ठीक है, 450 900 रुपये किलो है, तो 450 के 0.5 किलो बाय करके रख लेंगे। सोने से पहले वी नीड आलमंड्स, ऑफकोर्स गुड फैट्स एंड प्रोटीन, सो वील हैव आलमंड्स हैंडफुल, खा के विल गो टू बेड। उसके बाद वेजीज ऐड कर लेते हैं, तो 1000 रुपये की मैंने मैक्सिमम लिख दी है, इसमें प्याज टमाटर जो भी आपको चिकन में डालना है फिलेट अप, कोई कैप्सिकम डालनी है, ब्रोकली डालनी है, भाई अपनी पॉकेट के हिसाब से बाय करना, अगर ब्रोकली महंगी है तो मत लेना, देन स्टिक टू ग्रीन बीन्स, ठीक है। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के, अभी हम होस्टलर हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी हमारी जितनी पॉकेट अलाउ करती है हम उतना ही खाएंगे, दूसरों को देख के इंस्टाग्राम पे देख के ये नहीं कहना कि वो ब्रोकली खा रहा है, वो फिटनेस मॉडल ये खा रहा है, हमें भी खाना है, डोंट डू दैट, अपनी पॉकेट देख के, ठीक है। उसके बाद ऑलिव ऑयल जो कि 2 लीटर आएगा, जो 2 लीटर की पैकिंग होती है वो आती है 450 रुपये की, मैंने अभी ली थी तो मेरे को पता है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 450 रुपीज़ की है 2 लीटर की पैकिंग। एंड देन सॉल्ट पेपर जो हम कंडेमेंट्स डालते हैं, सॉल्ट पेपर जो भी 150-200 रुपये के वो पकड़ लेते हैं लास्ट में, सॉल्ट पेपर तो चाहिए, ठीक है, जब तड़का लगाएंगे तो सॉल्ट पेपर तो डाल देंगे ना उसमें, बॉयल्ड मत खाना भाई चिकन, ठीक है, अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आपका, तड़का लगाओ अच्छा ऑलिव ऑयल डाल के। एंड देन 40 रुपये के मैंने लिख दिए हैं जो दर्जन केले हैं, हम अगर दिन के 3 भी खा रहे हैं, 4 भी खा रहे हैं, 4 × 3 = 12, 3 दिन का मैंने 40 रुपये लिख दिया है, अगर हम 4 केले भी रोज़ खा रहे हैं तो 40 रुपये लिख दिए मैंने, हर 3 दिन के बाद 40 रुपये खर्च करोगे, तो टोटल बनता है कुछ 7000 रुपया, परफेक्ट। कोई प्रोटीन नहीं चाहिए हमें, कोई प्रोटीन शेक नहीं चाहिए, कोई BCAAs नहीं चाहिए, कोई बुलशिट नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स चाहिए जो इस 7000 रुपये में आपको मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको कोई या बना रहा है ये बोल के कि आप 100 रुपये का मील या होममेड दाल खा के और सैलेड रख के साइड पे, तो वो बन गए बॉडी बिल्डर, भाई ऐसे नहीं होती बॉडी बिल्डिंग, वो बॉडी बिल्डिंग करनी है यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, लर्न टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ योर बिजनेस, दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर पैशन। दुकान लेते हो उसमें माल डालते हो ना, कोई कपड़े की दुकान जैसे मेरी थी, मैं उसमें स्टॉक करता था, पैसे डालता था उसमें, वो बात अलग है, वो चली नहीं लेकिन डालता था ना, सो दिस इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, बॉडी इज़ योर इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्ट करना सीखें, दिस विल गिव यू रिवॉर्ड, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो 7000 रुपये की मैंने ये आपकी बनाई है, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, आपके घर वाले भी आपको दे देंगे इतने पैसे, आई एम श्योर, 6
6,000 7,000 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, जैसे चिकन थोड़ा कम खा लिया, एक दिन नहीं खाया, एक दिन खा लिया। इनिशियल स्टेज है, स्टार्टअप है, धीरे धीरे बढ़ा लेना, अभी स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। या अभी घर से पैसे नहीं मिलते हैं, जब अच्छी कहीं जॉब लग जाएगी तब यार तब जो मर्ज़ी करना, जो मर्ज़ी सप्लीमेंट लेना, कुछ भी लेना, ठीक है। अभी घर वालों पे बोझ नहीं डालते ज़्यादा, इतने में बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग हो सकती है। स्क्वाट्स करो, डेडलिफ्ट्स करो, बेंच प्रेसेस करो हैवी, यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स मैन। ऑलराइट, मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है आज की, चलता हूँ यार। आई गॉट टू मेक प्रिपेयर माय मील, चिकन राइस ऑफ कोर्स, एंड जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ। अच्छा।